Assalamu alaikum, dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Head Secondary School, Yunsu. Dear students, हम पढ़ रहे हैं 6th chapter history का pastoralism in modern world और उसमें आज का हमारा topic होगा pastoralism in Africa class 9th के लिए. अब हम देखेंगे pastoralism की development Africa में. अफ्रीका में वर्ल्ड के जितने भी पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, जितने भी पेस्टोरल पॉपुलेशन है, उसका 50% और हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव इन साउथ अफ्रीका. तकरीबन 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंडेंट थे पेस्टोरल एक्टिविटी पे. अफ्रीका में इनकी बहुत सारी कम्युनिटीज थी, लाइक बदायूंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्कना. इनकी जिंदगी पेस्टोरल एक्टिविटीज पे ही डिपेंडेंट थी. दे लिव इन सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और एरिड ग्रासलैंड्स, मतलब ड्राई ग्रासलैंड्स, उन्हीं पे ये रहते थे. देयर इज कैटल, कैमल्स, goats, sheep and donkeys and they sell और ये बेचते थे milk, meat, animal skin और wool. इनकी livelihood चलती थी transport पे, trade करते थे ये और pastoral activities के साथ साथ agriculture भी करते थे. जिस तरह से pastoralists की जिंदगी change हो गई इंडिया में due to colonialism, इसी तरह से अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट्स की लाइफ भी ड्रामेटिकली चेंज हो गई कॉलोनियल पीरियड्स में. इस मैप में हम देख सकते हैं डिफरेंट पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज इन अफ्रीका, लाइक बर्बर्स, मूर्स, तुरैक, बदायूंस, सोमाली. इनमें से जो मसाई कैटल हर्डर्स थे वो पहले रहते थे ईस्ट अफ्रीका में और 300,000 थे उसमें से साउदर्न कीनिया में और 150,000 तंजानिया में. अब हम पढ़ेंगे वायर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गॉन. ग्रेजिंग लैंड्स कहाँ गए थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से पहले पेस्टोरलिस्ट्स के पास जो जमीन होती थी वो बहुत कम रह गई. अब मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर लैंड ड्यू टू कॉलोनियलिज्म. फॉर एग्जाम्पल 1885 में मसाई लैंड, जो कि हमने देखा साउदर्न कीनिया से लेकर तंजानिया तक था, फैला हुआ था, अब ये बहुत कम हो गया था. इट वॉज कट इंटू हाफ विद एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश कीनिया एंड जर्मन तंगानियका. और जो भी बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे उनको लिया गया था कॉलोनियलिस्ट्स ने वाइट्स को सेटल करने के लिए और मसाइज जो है उनके लिए स्मॉल एरियाज रखे गए थे इन साउथ कीनिया एंड नॉर्थ तंजानिया. वहां पे रेनफॉल भी उतनी अच्छी नहीं होती थी और पुअर पास्चर्स थे. अफ्रीका के पेस्टोरलिस्ट्स के लिए एरिड जोन्स रखे गए ग्रेजिंग के लिए, जहाँ पे रेनफॉल अनसर्टन और पुअर पास्चर थे. ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ईस्ट अफ्रीका में पीजेंट्स को मजबूर किया कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए, जिससे ग्रेजिंग लैंड्स को ट्रांसफॉर्म किया गया इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स. अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट्स एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजिंग की परमिशन उनको मिल गई थी. इस वजह से जो क्वालिटी थी पास्चर्स की वो खराब हो गई, क्योंकि वो एक ही जगह पे बहुत टाइम तक उनको रहना पड़ता था, क्योंकि ये रेगुलरली इस लैंड को यूज कर रहे थे एज अ पास्चर. तो इस वजह से इसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो गई. उनकी कैटल्स पे भी बहुत बुरा असर पड़ा और बहुत सारे पास्चर लैंड्स को कन्वर्ट किया गया था इनटू पार्क्स और उसमें पेस्टोरलिस्ट्स को एंटर करने की इजाजत नहीं थी, लाइक मसाई मारा, सम्बुरु नेशनल पार्क इन कीनिया, सेरेंगेती पार्क इन तंजानिया. तो जो मैक्सिमम पास्टर लैंड्स थे वो थे कंट्रोल में कॉलोनियलिस्ट्स के, और जो अफ्रीकन के पेस्टोरलिस्ट्स थे उनको कुछ गिने चुने ग्रेजिंग लैंड्स दिए गए थे फॉर देयर लाइव स्टॉक.
नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। 19th सेंचुरी में अफ्रीकन्स बहुत बड़े एरिया को यूज कर पाते थे एज पास्टर्स, मगर ब्रिटिशर्स के आने के बाद नए एक्ट्स और नए नए लॉज, रिजर्वड फॉरेस्ट्स, रिजर्वड एरियाज करने के बाद इनको जो लैंड है वो बहुत कम दिया गया जो कि ये एज पास्टर लैंड यूज कर रहे थे। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट्स। विदाउट परमिशन ये अपने स्टॉक को, लाइव स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। बहुत सारे एरियाज में इन्हें किसी भी किस्म की तिजारत करने पर भी पाबंदी आयद की गई थी। द न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन देम चेंज्ड द लाइव्स ऑफ द पेस्टोरलिस्ट्स। इससे इनकी पेस्टोरल एक्टिविटी, इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी पे भी बहुत बुरा असर पड़ा और अब ये सिर्फ अपनी एनिमल्स पर ही ध्यान देते थे, बाकी प्रोडक्ट्स में ट्रेड ये नहीं कर पाते थे। दो ट्रेडिंग एक्टिविटी ये करते थे मगर उन पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, तो उतने अच्छे तरीके से ने अब ये ट्रेड नहीं कर पाते थे जितने ये बिफोर प्री कॉलोनियल पीरियड में करते थे। इसके अलावा पेस्टोरलिस्ट्स को इजाजत नहीं थी वाइट्स के एरियाज में जाने की, उन मार्केट्स में जाने की। ये जो वाइट्स थे वहां पे अफ्रीका में, वो कंसिडर कर रहे थे पेस्टोरलिस्ट्स को डेंजरस सवेज पीपल। ये चाहते थे कि इनके साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें बहुत नीची नजर से देखा जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ है व्हेन पास्टर्स ड्राई। ड्रॉट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट्स एवरीवेयर। बारिश की कमी की वजह से पास्टर लैंड ड्राई हो गए और जो मवेशी वहां पल रहे थे उनके लिए सरवाइव करना अब मुश्किल हो रहा था वहां पर। इससे बचाने के लिए वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे अपनी कैटल को साथ लेकर, जिसे नोमेडिज्म कहते हैं। इस नोमेडिज्म की वजह से ये बैड टाइम्स के वक्त भी सरवाइव कर पाते थे। कॉलोनियलिस्ट्स ने तो अब मगर ग्रेजिंग लैंड्स को बहुत कम तादाद में रखा और ड्रॉट की वजह से हालात और बदतर होने लगे। लगातार सूखे की वजह से एनिमल स्टॉक जो था पेस्टोरलिस्ट्स का वो कम होने लगा। मसाई जो कैटल थे वो अब उनमें बीमारियां पैदा हो गई स्टारवेशन की वजह से, वो अब मरने लगे। एंड एन इंक्वायरी इन 1930 वो शो करती है दैट मसाई जो है केनिया के, दे पजेस 720,000 कैटल, 820,000 शीप, 171,000 डंकीज एंड इन जस्ट टू ईयर्स ऑफ ड्रॉट 1933 से लेकर 1934 तक ओवर हाफ ऑफ द कैटल जो थे उनके मसाई रिजर्व के वो मर गए। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियलिस्ट्स, जो पॉलिसीज वहाँ इन पे इन्होंने लागू की थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे जिसमें पास्टर लैंड इनको कम कर दिया गया, इनकी मूवमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, फॉरेस्ट्स को रिजर्व कैटेगरीज में रखा गया। तो इस वजह से पास्टोरलिस्ट्स की लाइफ जो है वो बहुत उन पे बहुत बुरा असर पड़ा, उनका लाइफ स्टॉक भी अब कम होने लगा। अब इसका लास्ट टॉपिक, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। हर एक पे एक जैसा इफेक्ट नहीं पड़ा था कॉलोनियलिज्म से। कॉलोनियलिज्म से पहले अफ्रीका का एक ग्रुप जिसका नाम मसाई था, ये डिवाइड था इनटू टू सोशल कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। एल्डर्स रूलिंग ग्रुप के थे और ये टाइम टू टाइम मिलते थे और अपनी कम्युनिटी के मसले मसाइल हल करते थे। दूसरा था वॉरियर ग्रुप, वॉरियर ग्रुप में यंगर लोग होते थे, इन्हें ट्राइब की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब कॉलोनियलिज्म के अंडर ब्रिटिशर्स ने चीफ्स को अपॉइंट किया, ये इन ट्राइबल कम्युनिटीज को देख रेख करते थे और ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करते थे अबाउट देयर डूइंग्स। लेकिन जो ये चीफ्स अपॉइंट किए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ये बहुत ज़्यादा पैसा जमा करते थे। इनकी इनकम रेगुलर थी, ये एनिमल्स बाय करते थे, गुड्स बाय करते थे, उससे ये उनकी लैंड भी बाय कर पाते थे, खरीदते थे और पैसे भी देते थे पुअर नेबर्स को कैश में, उसके बदले उनसे टैक्स मांगते थे उन पे। बहुत सारे ये चीफ्स जो है वो अब टाउन्स में सेटल होने लगे, ट्रेड करने लगे, लेकिन उनके बीवी बच्चे जो है वो गाँव में रहते थे एनिमल स्टॉक जो था उनका, उनकी देख रेख करने के लिए।
इनका इन ये जो चीफ्स थे इन पे कोई असर नहीं पड़ता था, ना जंग का, ना कॉलोनियलिज्म का और ना ड्रॉट का, क्योंकि ये अपना पैसा तो लेते थे। इनके पास पेस्टोरल भी और नॉन पेस्टोरल इनकम भी थी। ये एनिमल्स भी बाय करते थे और इनका स्टॉक जो है वो भी कम नहीं होता था। जो ब्रिटिशर्स ने पहले इन मसाई कम्युनिटी जो थी उनके दो ग्रुप्स होते थे, एल्डर्स और वैरियर्स, मगर अब ब्रिटिशर्स ने उनमें से ही कुछ लोगों को एज चीफ्स अपॉइंट किया जो कि उनकी देख रेख करते थे। ये चीफ्स एक्यूमुलेट करते थे वेल्थ ओवर टाइम। इनके पास अब पैसे थे, ये ट्रेड करते थे, कुछ सेटल हो गए टाउन्स में, तो इन पेस्टोरलिस्ट्स पे उतना असर नहीं पड़ता था कॉलोनियलिज्म का जितना बाकी पेस्टोरलिस्ट्स पे पड़ा। दैट इज व्हाई वी से दैट ऑल वर नॉट इक्वली अफेक्टेड ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। मगर वो पेस्टोरलिस्ट जो सिर्फ मवेशी पालने पर अपनी रोजी रोटी कमाते थे उनकी जिंदगी इससे मुख्तलिफ थी। ये जो गरीब पेस्टोरलिस्ट थे जब वॉर के टाइम पे या फेमाइन के टाइम पे इनका सब कुछ छीन जाता था इनसे, दे हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क इन द टाउन्स, और कुछ काम कर रहे थे एज चारकोल बर्नर्स अदर डिड, वो और जॉब्स करते थे जो इन क्योंकि इनको सूट नहीं करते थे, मगर मजबूरी की वजह से इन्हें ये जॉब्स करने पड़ते थे। तो पेस्टोरलिस्ट्स में अब दो टाइप्स के पेस्टोरलिस्ट्स थे, वेल्दी pastoralists and poor pastoralists. Dear students, that was all about this chapter, pastoralism in modern world, and that's all for today. Thanks and Allah Hafiz.